भाषा जो है समाज का अभिन्न अंग, समुदाय की पहचान और पीढ़ियों के लिए ज्ञान के संचार में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और बुनियादी स्तर की राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2022 तीन वर्ष से 8 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए मातृभाषा, घरेलू भाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षण पर बल देती है। इसका मूल उद्देश्य ये है कि बच्चों को विद्यालयों में पढ़ने वाली भाषा समझने में कठिनाई न हो। इसी दिशा में भारत सरकार ने बाल वाटिका, आद्य साक्षरता और बुनियादी साक्षरता की शुरुआत की है। बच्चों को अक्षर पहचान के साथ साथ अर्थपूर्ण ढंग से पढ़ना और लिखना सिखाया जाना चाहिए। इसी को ध्यान में रखकर कुवि तथा देस्या प्रवेशिकाओं की शुरुआत हुई। इसी कड़ी में भारत सरकार के कुशल निर्देशन में NCERT नई दिल्ली और भारतीय भाषा संस्थान मैसूर के अथक प्रयास से 52 विभिन्न भाषीय प्रवेशिकाओं को भी तैयार किया गया है। इस आशा और उद्देश्य से कि ये प्रवेशिकाएं बच्चों को सिखाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे।